नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात का मौसम करीब आता जा रहा है, वैसे ही सियासी मैदान में गर्माहट देखी जा रही है। पार्टी लीडरान आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और लफ्जी जंगों की शुरुआत भी शुरू हो चुकी है। इसी तरह का एक वाकया देखने को मिला। इस मरतबा में वजीर फाइनेंस वो हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव का पत्ता झाड़ दूंगा, मैं हरीश राव को हरा कर दिखाऊंगा। वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में कसम खाकर मल्काजगिरी MLA मैनम पल्ली ने दिया इस तरह का बयान। BRS पार्टी से वाबस्ता मल्काजगिरी के MLA मैनम पल्ली हनुमंत राव, जिन्हें लोग टाइगर हनुमंत के नाम से भी जानते हैं, मैनम पल्ली ने तिरुपति के मंदिर में मीडिया के सामने वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में कसम खाकर इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और इस बात का दावा किया कि वो इस मरतबा टी हरीश राव को हरा देंगे। वाज़ रहे कि मियानम पल्ली मल्काजगिरी असम्बली हलके से इंतखाबात लड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार वो अपने फर्जंद को भी मेदक से इलेक्शन लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद इनके बेटे को मेदक से टिकट नहीं दी जाए। इसी वजह से मियानम पल्ली हनुमंत राव बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और फिर इस तरह के अपने बयान से सभी को हैरान कर रख दिया। इस मौके पर इन्होंने वजीर फाइनेंस के पुराने वो गरीबी के दिन भी याद दिलाए और कहा कि आज इनकी आमदनी का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बहरहाल मैनम पल्ली ने वाज़े किया कि अगर इनके बेटे को मेदक से टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पेश है DTV9 की एक खसूसी रिपोर्ट। బుద్ధి చెప్తాను, ఈసారంగా నాకు టైం లేదు, మెదక్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, మల్కాజ్గిరి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, తర్వాత సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు అడ్రస్ లేకుండా చేస్తానని చెప్పి కూడా దేవుని మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాను. మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఏదైనా మాటిస్తే మాట తప్పడు. హరీష్ రావును గద్దె దింపే వరకు, ఆయన దుకాణం బంద్ చేయించే వరకు కూడా నేను నిద్రపోనని చెప్పి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ప్రమాణం చేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes, sir.